मैं आज कबीर अमृत वाणी पुस्तक पर आपके बीच चर्चा करना चाहूंगा। कबीर अमृत वाणी में कई प्रसंग है, उसमें मन को अंग, इस पर मैं चर्चा करूंगा। इस पर गुरुजनों द्वारा, संतों द्वारा अनेक बार हम लोगों ने चर्चा सुन रखी है, उन्हीं को मैं आपके बीच दोहराने जा रहा हूँ। कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमा। सदगुरु कबीर कहते हैं, मन तो एक है, जहां अच्छा लगे वहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय विकार की कमाई करो, मन तो एक है। हमारी मर्जी, हम उस मन को हम कहाँ लगाते हैं। यदि हम गुरु की भक्ति में लगाते हैं, साधना में लगाते हैं, वैराग्य में लगाते हैं, तो मन कल्याण में सहायक होगा। और विषय विकार में मन लगाएंगे तो अकल्याण होगा। मन हमारा बनाया हुआ है, अब हमारे हाथ में है। एक होता है जो देखा सुना भोगा हुआ का जो संस्कार है, वो मन बनता है। जो देखा सुना भोगा हुआ जो संस्कार मात्र जो मन है, वह मन भूल भी जाता है। लेकिन एक ऐसा मन है जो बहुत वर्षों की बात को याद रखता है, जिसको गुरुजन कहा करते हैं, वे संस्कार अमिट होता है। मन के चार रूप भी हैं, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये चार है। काम भिन्न ढंग से होने से चार नाम पड़ते हैं, वस्तुतः मन के ही रूप है। सदगुरु कहते हैं, मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय वासना में मन लगाओ, अपने हाथ पे है। और यह मन हमारा कल्याण में सहायक है। मन एक ऐसी चीज है जो हर समय हमारा साथ रहता है। और यह मन अगर सही रास्ता पे है तो हमारा मित्र का काम करता है, अगर गलत रास्ता पकड़ लिया तो
कल्याण के दृष्टि से वो शत्रुता का काम करता है। साहब आगे कहते हैं, कबीर यह मन लालची समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी खाने को तैयार। सदगुरु कहते हैं यह मन लालची और मूर्ख है, सत्य को समझता नहीं है, भजन करन को आलसी, भजन करने में आलस प्रकट करता है, खाने को तैयार, और तीनों समय खाने के लिए तैयार रहता है। सब कहते हैं यह मन लालची है और गंवार भी है, मूर्ख है। क्योंकि यह मन हर समय संसारिक प्राणी पदार्थों में यह मन भागता है, इसलिए साहब यहां कहते हैं यह मन क्या है, लालची है और गंवार भी मूर्ख भी है। क्योंकि गलत राह पकड़ लेने से आदमी गलत संस्कार में पड़ जाते हैं, यदि सही रास्ता पकड़े तो मन हमारा सहायक हो जाता है। सब कहते हैं यह मन लालची है और मूर्ख भी है, भजन करण को आलसी खाने को तैयार, भजन करने के लिए आलस करता है, साधना में वैराग्य में भक्ति में लगने के लिए आलस करता है, खाने के लिए तीनों टाइम तैयार होता है। कबीर मन ही गयंद है, अंकुश दय दय राग, बिस्की बेली परिहर अमृत का फल चाह। कबीर मन ही गयंद है, अंकुश दय दय राग, गयंद मस्त हाथी, यह मन मस्त हाथी है, अंकुश दे दे राग, इसे ज्ञान अंकुश दे देकर सुबस रखो और बिस्की बेली परिहरे अमृत का फल चा, और विषय विष लता को त्याग कर अमृत का फल चा, स्वरूप ज्ञान अमृत का सात पिपल चखो। यह मन मस्त हाथी है, यदि इसको ज्ञान का अंकुश न दिया जाए तो पता नहीं कहां लेकर के ये गिरा दे। यह मन हाथी अपने अनुसार चलता है, क्यों चलता है, हमने सत्ता दी है या जीव सत्ता देता है। जीव अगर सत्ता अपना न दे, अपने अनुसार चलाए, तो सही रास्ता में चल सकता है। हमने गलत रास्ता दिया है मन को, जब गलत रास्ता हमने दिया मन हमारे ऊपर हावी हो गया, जैसे कोई राजा हो मंत्री के अधीन हो और मंत्री अपने अनुसार
चलाए, राजा उसी के अनुसार चले। और पता नहीं कब क्या हो जाए, राजा को ही सत्ता से उतार सकते हैं और स्वयं गद्दी पे बैठ सकते हैं, ऐसे होता है इतिहास में। ऐसे ही हमने मन को, मन के अनुसार उनको हमने खुराक दिया, अब मन अपने अनुसार चलाना चाहता है, जो हम चाहते हैं वही खुराक हम दे रहे हैं। साहब कहते हैं साधक काम है उसको ज्ञान के अंकुश दे करके अपनी ओर लाए, अपने अनुसार चलाएं। बिस्की बेली परियर अमृत का फल चाक, और विषय विष लता को त्याग कर स्वरूप ज्ञान अमृत का शांति फल चखो। यदि स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्थिति अमृत का फल चखोगे तो अमर हो जाओगे। ये अपने हाथ पे है, साधक को चाहिए कि वह विष लता को छोड़कर स्वरूप ज्ञान अमृत का शांति का पल चखना चाहिए। कबीर बैरी सबल है एक जीव रिपु पांच, अपने अपने स्वाद को बहुत नचावे नाच। कबीर बैरी सबल है एक जीव रिपु पांच, एक जीव रिपु पांच, एक जीव के पीछे पांच ज्ञान इंद्रिय रूपी प्रबल रिपु बैरी शत्रु लगे हैं। अवे बड़े बलवान है, अपने अपने स्वाद को बहुत नचावे नाच। वे अपने अपने स्वाद के लिए जीव को बहुत नाच नचाते हैं। ये जीव के पीछे पांच ज्ञान इंद्रियां रूपी साहब कहती हैं प्रबल शत्रु लगे हुए हैं। पांच ज्ञान इंद्रियां आंख नाक कान जीभ चाप, ये पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। और ये पांचों ज्ञान इंद्रियां सबल है, बलवान है, प्रबल शत्रु है। ये साहब क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं और पांचों का पांच विषय है। हमने मन को गलत खुराक दिया है, उसके अनुसार पांचों ज्ञान इंद्रियां पांचों विषय में पढ़ करके वो बलवान हो चुकी है। हम अगर मन को सत्ता ना दें तो मन इंद्रियों को अनुसार उसका भोग न दें, लेकिन हमने मन को सत्ता दिया है, इसीलिए पांचों ज्ञान इंद्रियां अपनी अपनी खुराक वो चाहती हैं। इसलिए साहब कहते हैं ये जीव के पीछे पांच ज्ञान इंद्रियां रूपी प्रबल शत्रु हैं। और ये पांचों ज्ञान इंद्रियां अपनी अपनी खुराक चाहती है। अगर शुद्ध हो जाए इनकी खुराक तो कल्याण में सहायिका हो जाए। जब तक जीवन है तब तक पांचों ज्ञान इंद्रियों से काम लेना होगा। अब पांचों ज्ञान इंद्रियों का पांच विषय है, पांचों ज्ञान इंद्रिया को बंद करके रखा नहीं जा सकता है। अब हमारी मर्जी है पांचों ज्ञान इंद्रियों का
जो रास्ता है उस रास्ता को हम किस प्रकार बदलें। यदि हम पांचों ज्ञान इंद्रियों को सही रास्ता में हम रखते हैं तो हमारे कल्याण में इंद्रियां सहायिका है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में महर्षि सनत कुमार ने देवर्षि नारद को यही उपदेश दिए, आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है। आहार शुद्ध सत्य शुद्धि सत्य शुद्ध ध्रा स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्षा। आहार के शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है। आहार जो हम मुख से आहार लेते हैं ये तो अपनी जगह पे आहार है, लेकिन हमारे पास पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियों का अलग अलग आहार है, इनकी अलग अलग खुराक है। अगर पांचों ज्ञान इंद्रियों का जो आहार है उचित हो जाए, आंख का देखना उचित हो जाए, कान का सुनना उचित हो जाए, नाक का जो आहार है गंध है वह उचित हो जाए, त्वचा का आहार क्या है स्पर्श, ये अगर उचित है, पांचों ज्ञान इंद्रियों के जो अपने जो आहार है ये अगर शुद्ध हो गए तो अंतःकरण शुद्ध होता है। हमने पांचों ज्ञान इंद्रियों को गलत आहार दिया, सबको हमने बस में करने का चक्कर में हमने गलत आहार दिया, गलत खुराक दिया, अब इंद्रियां बलवती हो गई, अब बाहर वह दौड़ती है, बाहर खींचती है अपनी अपनी खुराक, और जी उसी के बस में है। महर्षि सनत कुमार कहते हैं आहार के शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है। पांचों ज्ञान इंद्रियों का आहार अगर शुद्ध है तब अंतःकरण शुद्ध होता है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब स्मृतियां स्थिर और अचल हो जाती हैं, तब मन की जो ग्रंथियां हैं मन की जो गांठें हैं कट जाती हैं, आत्मा का कल्याण होता है, जीव का कल्याण होता है, क्योंकि पांचों ज्ञान इंद्रियां ही हमें संसार में भटकाती हैं, ऋषियों में भटकाती हैं। अगर पांचों को अगर हमने वश में कर लिया तो पांचों ज्ञान इंद्रियां हमारी वो सहायता करने वाली हो जाएंगी। साहब कहते हैं अपने अपने स्वाद को बहुत नचाओ ना, ये पांचों ज्ञान इंद्रियां अपने अपने स्वाद में जीव को नाना नाच नचाते रहती हैं। इसलिए बीजक में भी शब्द के दूसरा में भी साहब कहते हैं ना, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस में उठ उठ लागे पांच ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचो अधिक सवादी, कोई काहू का हटा न माने आप ही आप मुरादी, दुर्मत केर दुहागिन मेते ढोटे चाप चपेरे, कहे कबीर सोई जन मेरा जो घर के रान मेरे। यहाँ भी वही बात आई है, वह सच्चा मेरा अनुगामी है, सच्चा प्रेमी है, सच्चा भक्त है, जो शरीर रूपी घर के झगड़ा का निर्वाण कर लेते मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर सवार है सो साधु कोई। सद्गुरु कहते हैं मन के मत में न चलो, मन के मते अनेक,
क्योंकि मन के अनेक मत है। जो मन पर अश्वार है सो साधु कोई है। जो मन को सदैव अपने अधीन रखता है, अश्वार अधीन रखता है, सो साधु कोई है। वह कोई बिरले साधक है अथवा साधु है। सदगुरु कहते हैं मन के अनेक मत है, अनेक विचार है, मन में अनेक संस्कार उठते हैं। पल पल में पता नहीं कैसे कैसे संस्कार उठते हैं। इसलिए मन के अनुसार, मन के मत के अनुसार साहब कहते मत चलो, क्योंकि मन के अनेक मत, अनेक विचार, अनेक संस्कार उठा करते हैं। वो तो साधक ही समझता है, अन्यथा संसारी लोग तो मन की धारा में बही रहे हैं। मन क्या है वो समझते नहीं, सहज कह भी देते हैं, भाई क्या बताएं, मेरा मन इस समय बेचैन है, मेरा मन अशांत है। सब कहते हैं जो मन पर अश्वार है सो साधु को ये। जो मन को सदैव अपने अधीन रखता है वह कोई बिरला साधक ही है। वस्तुतः मन की धारा में संसार के सभी लोग बह रहे हैं। कोई कोई साधक हैं असंख्यों में, कुछ ही लोग हैं जो इस साधना में चल रहे हैं और वही उसका मन का स्वभाव को समझते हैं। मन पांचों के बस पड़ा, मन के बस नहीं पांच, जित देखो तित दौ लगी, जित भागू तित आज। साहब कहते हैं मन पांचों के बस पड़ा, या मन पांचों ज्ञान इंद्रियों या पांचों विषयों के बस में पड़ा है। मन के बस नहीं पांच, परंतु मन के बस में ये पांचों नहीं है। जिद देखो तित दाव लगी, साहब कहते हैं जहां देखता हूं वहां विषय वासना की दाव अग्नि लगी है। जिद भागो तित आंच, जहां भाग कर जाता हूं वहां आंच लगती है। सदगुरु शाखी में कहते हैं मन पांचों के बस में पड़ा हुआ है, क्योंकि पांचों ज्ञान इंद्रियों के पांच विषय हैं और ये पांच विषय एक पथ है और उसी में यह मन उसके बस में रहता है। और मन के बस नहीं पांच, ये पांचों विषय मन के बस में नहीं है, क्योंकि हमने मन को गलत खुराक दिया है और मन के अनुसार हमने इंद्रियों को खुराक दी है। अब मन कहाँ से बस में हो, अपने अनुसार इंद्रियां चलाती हैं। सर कहते हैं जहां देखता हूं वहां विषय वासना की ही अग्नि लगी है, जहां जा वहां आंच लगती है। जंगल में आग लगती है तो उसमें बांस के घर्षण से आग लगती है, किसी द्वारा आग नहीं लगाई है, बांस आदि के घर्षण से आग लगी है। अब वो आग ऐसी आग होती है जिसको कहा जाता है दाव आग।
महीनों महीनों जंगलों में आग लगती है तो बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहां तो सत्य अंतःकरण में विषय वासना की दावाग्नि लगी है। क्यों? क्योंकि हमने पांचों विषय को हमने अपना सुख का साधन माना और मन को उसमें लगाया। अब विषय वासना के प्रबल अग्नि धू धू करके अंतःकरण में जल रहे हैं, कहाँ से भाग के जाए। अंततः जीव को इसमें जलना होता है। मन के मारे बन गए बनतज बस्ती माए, कहें कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे नाए। सदगुरु कहते हैं मन के मारे बन गए। मन की चंचलता को रोकने के लिए वन में गए, जंगल में गए, बनतज बस्ती माई। वहां जब नहीं शांत हुआ तब पुनः बस्ती में आ गए। कहे कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे नाई। सतगुरु कबीर कहते हैं जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक तुम क्या कल्याण करोगे। मन को मारने के लिए, मन की चंचलता को दूर करने के लिए साधक कहे जाने वाले जंगल में जाके तपस्या करता है, लेकिन वहां भी मन शांत नहीं होता है, तब पुनः फिर बस्ती में आ जाता है, गांव में आता है। साहब कहते हैं मन अगर नहीं मरा चाहे जहां जाओ मन तो साथ में रहेगा। इसलिए साधक का काम है मन का जो स्वभाव है उसको समझें, समझ करके उस मन की जो चंचलता है उसको साधन से विचार से दूर किया जा सकता है। सतगुरु कहते हैं कहे कबीर क्या कीजिए या मन ठहरे नाही। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक तुम्हारा कल्याण कहाँ होगा। क्योंकि मन विषय वासना में ही दौड़ लगाता है और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक कल्याण कहाँ। जंगल जाने से अर्थात कठिन तपस्या करने मात्र से अगर सही अगर बोध नहीं है, विचार नहीं है, तो कुछ काल तपस्या के बाद मन पुनः फिर भटकाएगा और फिर संसार में ला करके डुबा देगा। इसलिए मन को समझना है और मन के जो हकीकत है जान करके, मन के स्वरूप को जान करके सही रास्ता पे चलना होगा, चलाना होगा। मन मुरीद संसार है गुरु मुरीद कोई साथ, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। मन मुरीद संसार है। सदगुरु कहते हैं मुरीद दास शिष्य। संसार के सब लोग मन के मुरीद है, मन के दास है। गुरु मुरीद कोई साथ,
गुरु के दास तो कोई संत ही होते हैं। जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध, जो गुरु ज्ञान वचन को मानता है ताका मता अगाध, उसका मत अगाध है। साहब कहते हैं संसार के सब लोग मन के दास हैं, देखा भी जाता है। संसार के सभी लोग मन के अधीन है, मन के दास हैं, मन के अनुसार काम कर रहे हैं। गुरु मुरीद कोई साथ, गुरु मुरीद अर्थात गुरु का दास कोई कोई साधक होता है। गुरु की जो ज्ञान के अनुसार चलने वाले बिरले बिरले साधक होते हैं, अंततः मन के अनुसार चलने वाले अधिकतम है। जो माने गुरु वचन को ताका मता अगार, जो गुरु ज्ञान वचन को मानता है, गुरु के ज्ञान को मानता है, उसके अनुसार चलता है, साहब कहते हैं उसका मत अगाध है। मन को मारो पटक के टूक टूक हो जाए, बिस्की क्यारी बोई के लूनता क्यों पछता है। मन को मारो पटक के, साहब इतना सरलता से बता रहे हैं। साधक जब मन से उबिया जाता है तब वो सोचता है, जी तो चाहता है कि मन को पटक कर ऐसा मारूं टूक टूक हो जाए, वह चकना चूर हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। बिस्की क्यारी बोई के लुनता क्यों पछता, बिस्की क्यारी बोकर अब उसे भोगने में क्यों पश्चाताप करता है। साधक सोचता है कि जी तो चाहता है इस मन को मैं वश में करूं, लेकिन वश में होता नहीं। भजन में भी साहब का आए हैं, अगर मन अगर हाथी होता तो मैं जंजीर से बांधता, अगर मन ऊंट होता तो नकेल बांध देता उनका। एक उनका एक भाव है। साधक सोचता है जी तो चाहता है इस मन के अनुसार ना चलो, लेकिन हमने उन्हें गलत खुराक दिया है, इसीलिए मन हमें बाहर भटकाता है। साहब कहते हैं बिस्की क्यारी बोई के, विषय वासना की क्यारी बोकर अब उसे भोगने में क्यों पश्चाताप करता है। कहने का मतलब है कि हमने इन्हें मन को विषय वासना पर ही दौड़ाया है, अब उसी तरफ दौड़ा रहा है, अब पश्चाताप करने से क्या होगा। हमने मन को अपनी इंद्रियों को गलत गलत खुराक दिया है, अब मन प्रबल हो गया, अब उसी तरफ दौड़ रहा है, अब कहां से बस में होगा। बस में तो तब होगा जब उसको समझा जाए, दृढ़ निश्चय किया जाए। मन ही को प्रमोदिए मन ही को उपदेश, जो या मन को वशी करे शिष्य होए सब देश। मन ही को प्रमोदी, सदगुरु कहते हैं अन्य को सुबस करने की आशा त्याग कर मन ही को प्रमोदी, मन ही को प्रबोध अर्थात उपदेश करो।
जो यह मन को वश करे शिष्य होए सब देश। जो अपने मन को सुबश कर लेता है मानो उसका शिष्य सारा संसार हो गया। साधक का काम है अब मन को वश में करने का ही काम करें, क्योंकि हमने अन्य को वश में करने में लगे हुए हैं, सबको वश में करने में लगे हैं। जो हम बस में कर सकते हैं उसको बस में नहीं कर पा रहे। संसार को हम बस में करने में लगते हैं। साहब कहते उसकी आशा त्याग करके केवल मन को ही प्रमोदिए, मन को ही उपदेश करिए। मन को बस में करने में ही हम स्वतंत्र हैं और में हम दिवस है ना। हम शरीर को अपने अनुसार चला सकते हैं, इसमें हम दिवस हैं। शरीर में जो अवस्था है ये बदलेगी, शरीर में जो बीमारियां है प्रारब्ध के अनुसार आएगी आएगी, ना चाहते हुए बाल पकेंगे, ना चाहते हुए दांत टूटेंगे, ना चाहते हुए चेहरे में झुर्रियां आएगी। शरीर में जो परिवर्तन होना है ये तो होंगे ही, लेकिन शरीर को बस में करने का कितना उपाय किया जाता है, क्या क्या साधन जुटाया जाता है खाने पीने के लिए। जो बस में होने वाला नहीं है और परिवार को बस में करना हम चाहते हैं, उसमें भी हम विवश हैं, उसमें भी हम परतंत्र हैं। साहब कहते हैं अन्य को सुबस करने की आशा त्याग कर केवल मन को बस में करने का प्रयास करो। जो अपने मन को बस में कर लेता है शिष्य होए सब देश, सब देश उसका शिष्य हो गया। जो अपना मन को बस में कर लिया बस अब क्या चाहिए। मन गोरख मन गोविंद मन ही अवघड़ सोय, जो मन राखे जतन करे आपे करता होय। मन गोरख मन गोविंद, सदगुरु कहते हैं मन की दृढ़ता से ही लोग गोरख जैसे योगी बन जाते हैं। अब मन गोविंद, अब मन के पुरुषार्थ से ही मनुष्य गोविंद भगवान कहलाता है। अब मन ही अवघड़ सोए, अब मन को बिगाड़ कर लोग अवघड़ बन जाते हैं, ना खाने योग्य पदार्थ को खाने लगते हैं। जो मन राखे जतन करी आपे करता होए, जतन यत्न, यत्न पूर्वक जो मन को सुबस रखता है आपे करता होए, वह स्वयं करता ईश्वर है। साहब कहते हैं मन की दृढ़ता से ही लोग गोरख जैसे योगी बन जाते हैं। योग साधना में गोरखनाथ जी का नाम आता है। गोरखनाथ हमारे देश में बहुत बड़े योगी हुए हैं और योग साधना में मन को बस में करना होता है। जो मन के अधीन रहेगा वो योग साधना नहीं कर पाएगा। योग साधना के लिए मन को बस में रखना होता है। मन को बस में करके ही गोरख जैसे योगी हुआ जा सकता है। और
मन के पुरुषार्थ से ही मनुष्य भगवान कहलाता है, क्योंकि मन ही हमें दुनिया में भटकाता है। यदि मन को हमने साध लिया, साधना में उसको लगाया, तो वह स्वयं भगवान कहलाता है। भगवान कहीं अलग से नहीं है, बस मन को जिन्होंने साध लिया वो भगवान, भग्न कर दिया वान उसे कहते हैं भगवान। जो अपना मन को भग्न कर दिया, उच्छिन्न कर दिया, तोड़ दिया, उसे भगवान कहा गया है। भगवान का जो बाह्य स्वरूप लोगों ने भिन्न ढंग से माना है, लेकिन साधना की दृष्टि से भगवान उसे कहा जाता है जो अपना वान नाम बंधन को जो भग्न कर दिया, तोड़ दिया, उच्छिन्न कर दिया, उसे भगवान कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, भग रागो भग दोषो भग मोहिता भगवा। जो अपने राग को भग्न कर दिया, द्वेष को भग्न कर दिया, मोह को उच्छिन्न कर दिया, उसे भगवान कहना चाहिए। इसमें मन ही कारण है। जो अपने मन को साधना में लगाया, पुरुषार्थ में लगाया, वही भगवान हो गए। भगवान ऐसे नहीं हो गए, हो जाता है। भगवान के लिए मन को साधना होता है। साहब कहते हैं, मन ही अवघड़ हो, अमन को बिगाड़ करके आदमी अवघड़ बन जाते हैं। अवघड़ एक पंथ भी है, लेकिन यहाँ अवघड़ का लाक्षणिक अर्थ है मन को बिगाड़ करके लोग गलत रास्ता में चल देता है। मन को बिगाड़ करके लोग चोरी, हिंसा, व्यभिचार, गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। जो मन राखे जतन करे आपै करता होए, यत्न पूर्वक जो मन को शुभस रखता है वह स्वयं ईश्वर है। यहां साहब पुनः फिर कहते हैं, जो अपने मन को यत्न पूर्वक सही रास्ता में रखता है वह स्वयं कर्ता ईश्वर है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, आदमी स्वयं ईश्वर है। अगर वह अपना मन को वश में कर लेता है, अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह स्वयं ईश्वर है, स्वयं करता है। बस मन को वश में करने की बात है। मन मोटा मन पातरा, मन पानी मन लाए, मन की जैसी उपजे तैसे ही होए जाए। मन मोटा मन पातरा, मोटा गुजराती भाषा मोटा बड़ा को कहते। मन ही कहीं अहंकारी बनता है, मोटा अहंकारी बनता है। मन पातरा, अब कहीं पात्र निर्माणी बनता है। मन पानी मन लाए, और कहीं यह मन शीतल बन जाता है, पानी बन जाता है। मन लाए, और कहीं आग के समान क्रोधी भी बन जाता है। मन की जैसी उपजी उपजे जै तैसे ही होए जाए। हृदय में जैसे भावना उत्पन्न होती है,
वैसा वैसा ही मन हो जाता है। सदगुरु कहते हैं मन ही कहीं अहंकारी बन जाता है, प्राणी पदार्थ को लेकर के अहंकार में फूल जाता है, और कहीं मन पात्र निर्वाणी बन जाता है, विनम्र हो जाता है। ये सब मन का ही खेल है। अब कहीं मन पानी अर्थात शीतल के समान बन जाता है, शीतल हो जाता है, और कहीं आग के समान क्रोधी भी बन जाता है। प्रतिकूल प्राणी पदार्थ को लेकर के कभी मन उत्तेजित हो जाता है, मन की जैसी उपजे, हृदय में जैसी भावना उत्पन्न होती है, भावना के अनुसार है, हृदय में जैसी भावना उत्पन्न होती है तैसी हो जाए, वैसा ही मन हो जाता है। हमारी भावना जैसी होती है वैसे ही मन की दशा होती है। इस साखी में सदगुरु कहते हैं मन का ही खेल है, इसलिए मन को शांत करना है। ये हमारी इसमें सुवस्था है और में हम विवश हैं, मन को शांत करें, बस इसी में हमारी विजय है, अन्यथा नहीं तो हार है। No.